बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ जी। अब सब कैसे हैं? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम सब भी खैरियत से हैं जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी डिश है, आज हमारी प्यारी प्यारी चिकन बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन के लेग पीसेस लिए हैं चार, तो इनको मैं काट लगा लूँगी, उसके बाद बताती हूँ कि अगला प्रोसीजर क्या है। जी तो ये देखें, ये इनको मैंने सब को कट्स लगा दिए हैं और अब इनको मसाला लगाएंगे। जी तो ये देखें, ये बॉल लेंगे एक और इसमें सारा चिकन ऐड कर देंगे जितना भी है। जी तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जी, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ये ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है 2 चम्मच, ये ऐड कर दूंगी। जी तो मैं अब इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर दूंगी, इस सारे मसालों को अच्छी तरह से लगा देंगे। जी तो ये देखिए, लेग पीस को हमने मसाला लगा लिया और अब इसमें मैं 2 चम्मच लेमन जूस के ऐड कर दूंगी इस तरह से। जी तो ये देखें, सारे मसाले हमने लगा दिए, मैरिनेट कर दिया है। अब 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे और इसके बाद इसको पकाएंगे। जी तो ये देखें, ये हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं, अब इसे हम पकाएंगे कढ़ाई में। जी तो ये देखें, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी इसमें सबसे पहले। जी तो ऑयल ऐड कर दिया, मैं चिकन ऐड कर दूंगी इसमें। जी तो ये देखें, ये फ्लेम को मैं स्लो बिल्कुल कर दूंगी और इसे पकाएंगे हम बिल्कुल स्लो। जी तो इसको कवर कर देंगे। जी तो ये देखें, अब हम साइड इसकी चेंज करेंगे, 20-25 मिनट एक साइड से ये पका है और अच्छी तरह पकाना है इसको, इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए अब दूसरी साइड से मैंने काटी है और इसका फ्लेम थोड़ा सा मैंने हाई किया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। जी तो ये देखिए, साइड चेंज करेंगे अब दोबारा से। जी तो ये देखिए, ये चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं सॉस बनाऊंगी प्यारी प्यारी चिकन। पैन रखा है मैंने और मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी प्यारी प्यारी सॉस बनाने के लिए। तो सॉस के लिए हम यहाँ पे मैंने ली है कुछ प्याज ली है, लहसुन के जवे लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा पका के फिर इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखें, ये हो गया है और अब इसे ब्लेंड कर लूंगी सॉस के लिए। जी तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पपरिका पाउडर की, 5 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक।
तो सॉस ऐड कर देंगे इसमें चिकन में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी तो ये देखें सॉस के साथ अब थोड़ी देर पकाएंगे। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें हमारा जो पैरी पैरी चिकन है ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। ये देखें इसकी सॉस भी बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत ही टेस्टी है और खुशबू बहुत आ रही है, तो बिल्कुल रेडी है। जी तो आप ये देखें डिश आउट कर लेंगे हम। ये देखें जी तो ये देखें हमारा जो पैर पर चिकन है ये रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी जो कि पहले नहीं मैंने डाला, तो मैं और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही लाजवाब बना है। आप जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और बहुत ही टेस्टी बना है, आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू।